ये हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसको माता पिता का सुख मिलेगा, कौन भूमि भवन खरीदेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन खिलाड़ी बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन राजनेता बनेगा, किसकी माली हालत अच्छी होगी, किसकी गर्लफ्रेंड से अच्छे संबंध होंगे, सारी बातें बताएंगे। और आप जीवन में आपका आध्यात्मिक विकास कैसा होगा, किस फील्ड में जाएंगे, ये सारी बात बताएंगे। आपको किस अंक के प्रयोग करने से आपका भागोदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से अपार सफलता मिलेगी, क्या सावधानी बरतें, क्या उपाय करें। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रथम राशि मेष से। जो मेष राशि की जातक हैं, आज आप जो भी पराक्रम करेंगे उससे आपका भाग्योदय होगा। मेहनत करिए, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए। अपने स्किल के द्वारा, बौद्धिक क्षमता के द्वारा आपको धन अर्जन करने का योग बन रहा है। यदि आपने वाहन खरीदने की प्लान कर रखी है तो आज आप चतुष्पद वाहन खरीद सकते हैं, उसका प्रबल योग बन रहा है। धन लाभ की स्थिति शानदार है, चारों तरफ से व्यापार में लाभ होगा, अन्य क्षेत्र से भी धन की स्थिति अच्छी होगी, धनागम होगा, पत्नी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके नौकरी में, प्रतिष्ठान में परिवर्तन हो, उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। सावधानी क्या बरतनी है, अज्ञात व्यक्ति से कोई भी व्यापार न करें। उपाय क्या करना है, आपका मन ठीक रहे, आपको कॉन्सेंट्रेशन रहे, आपको परेशानी न हो, तो आप आज 11 चांदी का चंद्रमा नदी में प्रवाहित करें या मंदिर में दान करें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो सलाह होगी बहुत कीमती होगी और कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे, धन की स्थिति अच्छी होगी, आप मालोमाल हो सकते हैं। बृहद घर बनाने का योग बन रहा है, वाहन लाभ का योग बन रहा है, भाग्य से व्यापार में वृद्धि होगी, साझेदारी में व्यापार करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ साझेदारी में कोई कार्य न करें, लेन देन न करें और सहभागिता में कोई कार्य न करें, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। निगेटिव थाट से बचें, माता पिता की राय को माने, जो आपके अग्रज हैं, भाई हैं, बंधु हैं, माता पिता हैं, भाभी हैं, चाची जो भी हैं, बड़ों की सलाह लेकर के किसी कार्य को करें, मन मौजीपन मत करें और तेज गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें। यदि आज आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे रखा है तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है, वाहन तेज न चलावें। उपाय क्या करना है, गरीबों को भोजन कराना आपके लिए सुभद रहेगा, चंद्रमा को अर्घ दे लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको चतुर्दिक प्रगति के बहुत सारे सुंदर अवसर प्राप्त होने की संभावना बन रही है। चारों तरफ से धन लाभ का अवसर मिलेगा और कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे। जीवन संगिनी से मन मुटाव हो सकता है, बेवजह वाद विवाद न करें, जीवन साथी का सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसकी बात को सुने और समर्पण भाव रखना आपके लिए हितकर रहेगा। किसी भी प्रकार की वाद विवाद में पड़ना संकट का आमंत्रण देना है। संतान सुख प्राप्त होते हुए दिख रहा है, माली हालत सशक्त होगी, भूमि भवन खरीद सकते हैं। यदि आप शेयर ट्रेडिंग, होटल के व्यापार में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए मल्टीप्लाई करके लाभ देगा। सावधानी क्या बरतनी है, उतावलेपन में आके कोई कार्य नहीं करना है और आप थोड़ा बड़ों का सम्मान करना सीखिए। उपाय क्या करना, हरा वस्त्र दान करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि की जातक है, अपने मन स्थिति को नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वही श्रेष्ठ रहेगा। अगर मन को नियंत्रण में रख करके कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। कॉन्सेंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के अपने कार्य में ध्यान दें, इधर उधर भटकाव न होने दें मन को, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। कर्क राशि होने के नाते आप में भटकाव बहुत है, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं, लड़ लेते हैं, परेशान होते हैं और इमोशनल दुखी होते हैं। तो इमोशंस वहीं दिखाइए जहां आपके सेंटिमेंट की कद्र हो। जहां आपके सेंटिमेंट की कद्र ना हो, वहां सेंटिमेंटल एक्सपोजर करना बहुत अच्छी बात नहीं है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, पदोन्नति का योग बन रहा है, माली हालत सशक्त होगी, भूमि भवन खरीद सकते हैं, इसका प्रबल योग बन रहा है।
आपको आज सावधानी की जरूरत नहीं है। आप अपने मन में निगेटिव थॉट ना आने दें, नकारात्मक विचारधारा से दूर रहें, स्वास्थ्य के प्रति विशेष केयर रखें। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र दान करना आपके लिए हितकर रहेगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं आज अपने मेहनत से, पराक्रम से, परिश्रम से अत्यधिक धन प्राप्त करेंगे और सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। संततियों से मन प्रफुल्लित रहेगा। जिस दिन न्यायालय में कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा उसमें आपको विजय प्राप्त होगा और जो आपका इनकम है उससे ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। तो खर्च को लेकर के आपका मन तनाव में हो सकता है, तो आप तनाव में न रहिए, या तो खर्च को कम करिए या इनकम को बढ़ा लीजिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है उसी में रहिए। जब आप अपने चद्दर से ज़्यादा ऊपर पैर फैलाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो बेहतर है कि अपने इनकम को बढ़ाइए, खर्च पर कंट्रोल ना करके इनकम को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? प्लानिंग करके करिए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? रोग एवं शत्रु को हल्के में न ले। मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप सिंसियर नहीं हैं तो सिंसियर बने। उपाय क्या करना है? लाल वस्त्र का दान करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि की जातक हैं आज आपके आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। नए प्रकार के व्यापार करेंगे। पिता एवं ससुराल से धन लाभ की स्थिति अच्छी दिख रही है, धन लाभ होते हुए दिख रहा है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। पिता का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है। भाई बहनों में थोड़ा आज मनमुटाव हो सकता है, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेशन एग्रेशन हो सकता है। जरूरत है गुस्से पर कंट्रोल करने की। किसी की बातों में ना आवे, आप कान के बहुत कच्चे हो रहे हैं तो अपने थोड़ा सा अपना आँख कान खोल के रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी की बातों में, किसी की बहकावे में ना आवे। जो आपके अपने हैं वो अपने ही रहेंगे। गैर आपको अपनों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो गैरों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं तो अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, उस दिशा में कार्य करना आपके लिए हितकर रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। कलह एवं विवाद से बचें। आज आपको उपाय क्या करना है? यदि आज आपको काला कुत्ता मिलता है तो उसको रोटी गुड़ खिलावें या काली गाय को गुड़ और रोटी खिलावें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं आज आपको संतुलित व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। अनेक क्षेत्र से धन लाभ होगा। अचानक यात्रा का योग बन रहा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। परिस्थिति आपके अनुकूल है। पिता का सुख मिलेगा। महिला मित्र के सहयोग से आज आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई बड़ा अफसर या अधिकारी आपका परिचित है तो उससे आज आपको लाभ मिलेगा। आज आपको एक दिशा निर्देश मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर के आपके मन में अत्यंत चिंता होगी और अपने भविष्य को लेकर के अकारण चिंतित रहेंगे। मेहनत करिए, आपका लक्ष्य में बड़ी सफलता मिलेगी। सावधानी क्या बरतनी है? आलस्य का परित्याग करें, अपने समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना है? जरूरतमंद को भोजन करावें और लोगों की मदद करें अपनी क्षमता के अनुसार। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज आपको अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें। जो बात आपको खराब लगती है उस तरह की भाषा का प्रयोग दूसरों के साथ न करें। प्रगति होगा, पदोन्नत होने का प्रबल योग बन रहा है। भाग्य से सारा कार्य संपन्न होगा। परिस्थितियां अनुकूल है। माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलेगी। यदि आप पुलिस या सेना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आज आपको नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा होगा तो विवाद आपका सॉल्व होगा और प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की भी संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, पत्नी का सहयोग करें, विवादों में उलझे नहीं। उपाय क्या करना है? चिड़ियों को दाना खिलावें और आज पौधारोपण करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं आज आपके आत्मबल से बड़ा लाभ मिलेगा। विवादों से बचें
और धन धान्य के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो पुस्तक लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, कोई बड़ी रचना कर सकते हैं। धन लाभ होने का योग बन रहा, कारण मन तनाव में हो सकता है, महिला मित्र से आज तनाव मिल सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी के साथ आज आपको धोखा मिल सकता है। तेज गति की गाड़ी चलाने से बचें और अपने मन पर कंट्रोल रखें और भावेश में आके कोई कार्य न करें, अंतरात्मा की आवाज को सुन करके उसके दिशा निर्देशन में कार्य करें। सावधानी क्या बरतनी है, कल पर कोई कार्य न टालें, जो कल करना उसको अभी करें, तत्काल प्रभाव से करें, आपके लिए बेहतर होगा। उपाय क्या करना है, असहाय को भोजन करावें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है शिग्रीन, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अंतरात्मा की आवाज को सुने, उसी के दिशा निर्देशन में कार्य करें, मन की बात को न टालें और अपने मन को जितना शांत रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। पदोन्नत का योग बन रहा है। लेखन कार्य में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे और पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, अत्यधिक खर्च से मन उद्विग्न हो सकता है। परिस्थितियां आपकी प्रतिकूल है, लेकिन मेहनत करके अपने भौतिक क्षमता के बल पर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना लेंगे। कई विरोधी सक्रिय होंगे, हेड एंड शत्रुओं की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो सकती है, जिससे मन आपका तनाव में हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी अग्रजों की सलाह को मानना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। उपाय क्या करना है, शनिवार के दिन काले घोड़े के नाल का छल्ला मध्यम अंगुली में धारण करें। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है काला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी आध्यात्मिक शक्ति की सुरक्षा एवं शांति महसूस करेंगे। आज आपको लगेगा कि कोई आध्यात्मिक शक्ति आपकी मदद कर रही है। माइंस के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, जीवन संगिनी का सहयोग मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। अनेक क्षेत्र से व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है, परिस्थिति अनुकूल है, संततियों के प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, विदेश जा सकते हैं, आयात निर्यात करने का योग बन रहा है। नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, राजनीति में अचानक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आज आपकी विरोधी आपको परेशान करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण करें, गुस्सा पर नियंत्रण करें, जितना शांत चित्त शांत भाव से काम करेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मन को उद्विग्न होने न दें और बहुत शांति से किसी कार्य को करते हैं तो आज आपको अपार सफलता मिलते हुए दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है, दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लेना आपके लिए हितकर होगा। उपाय क्या करना, काला वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें और सरसों का तेल दान करें। ओम संघ सनश्चरायण इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी कलर, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको अपने संतान से विरोध की स्थिति की झेलना पड़ सकता है। बच्चों से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा, विरोधी आपके सक्रिय होंगे, आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, तेज गति की वाहन न चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। परिश्रम से लाभ होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, सुख के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, अचानक धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद समाप्त होगा, खेल के क्षेत्र से धन लाभ होगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ी बेहतरीन है। अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के क्षेत्र में कोई व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लाइजनिंग क्षेत्र में कार्य न करें नहीं तो नुकसान हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, अनावश्यक तनाव से बचें। उपाय क्या करना है, पीला वस्त्र दान करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 9। हरे कृष्ण।